हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। तो हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो हमारा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन का दूसरा एग्जांपल है, तो ये मैंने आपको होमवर्क डाल रखा था, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है रिएक्शन। तो यहाँ से Cl लीविंग करेगा, लीव करेगा, हटेगा और ये नाभिक स्नेह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नाभिक स्नेह अभिकर्मक। ये नाभिक स्नेह अभिकर्मक का अटैक पीछे के डायरेक्शन से इस CH2 पे होते ही प्रोडक्ट आपके बन जाएगा ईथर CH3CH2O, और O से रिंग जुड़ गई, ये रिंग ही तो है, ये इसको रिंग मान लेते हैं C6H5 भी था ये। क्वेश्चन नंबर 10.14 है, तो ये बन जाएगा। क्लियर? तो सबके बन गया। इसको हम बोलते हैं इथाइल फिनाइल ईथर। क्या ये? इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। तो ये ईथर हो गया, मैकेनिज्म आपको पता है। तो विलियमसन के कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने यहाँ देखे। अब इसके कुछ, इसमें हमने लिखा प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, ध्यान रखना प्राथमिक एल्काइल हैलाइड ही लेते हैं इसमें। अगर आप जाके 11.25 क्वेश्चन देखोगे तो उसमें बनेगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस की सीमाएं क्या है, तो लिख लेते हैं यहाँ 11.25 से 24 क्वेश्चन है। विलियन सन ईथर संश्लेषण की ये सीमाएं, विलियमसन ईथर संश्लेषण की सीमाएं क्या क्या हैं बेटा? एक बार नजर डाल लेते हैं हम सीमाओं पर। तो पहली, इसमें हम केवल प्राथमिक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर लेंगे तो फिर उत्पाद अलग बन जाएगा। इस क्रिया में द्वितीयक 2 डिग्री एवं एल्किल हैलाइड प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ये इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद ईथर के स्थान पर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्किल। अगर आपने ले भी लिया तो फिर ईथर प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, फिर प्रोडक्ट आपके बनने वाला है एल्किल। कैसे बनेगा एल्किल? एक एग्जांपल से हम समझते हैं इस बात को कि एल्किल इसमें कैसे बनने वाला है। चलिए एग्जांपल के साथ बात करते हैं। जैसे आपने मान लो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिए, CH3
और यहाँ CL लगा दिया और यहाँ S लगा दिया। कैसा है ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन आपने वही NaOC2H5OS जो विलियमसन ईथर संश्लेषण चलाता है उसी तरह ही। तो अब आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे, तो वही आपका ये कहता है Cl यहाँ से निकलेगा और यहाँ से Cl अगर निकल जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो C2H5 यहाँ जुड़ेगा तो 2 डिग्री बन जाएगा ना वो तो ईथर, लेकिन 2 डिग्री ईथर नहीं बनता है इस रिएक्शन से। इसमें क्या होगा कि मैकेनिज्म बदल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये Cl निकलेगा और CH3CH यहाँ प्लस आ जाएगा और CH3, और बीटा कार्बन जो है CH2 है उस पर नियरेस्ट कार्बन होता है बीटा, उससे हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, ठीक है H प्लस निकल जाएगा इसके साथ C2H5 NaCl तो यही निकल गया, इसमें से Na है ना, NaCl निकल गया और O माइनस के साथ ये H निकल जाएगा। तो यहाँ किलोपन रिएक्शन हो, और यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये पॉय बॉन्ड यहाँ आ गया ना, और CH CH यानी प्रोपीन बन गया इसका मुख्य उत्पाद, और ये C2H5 के साथ यहाँ निकल के जाएगा C2H5OH, ये निकल जाएगा प्रोपीन। तो मुख्य उत्पाद क्या बन गया बेटा, प्रोपीन बन गया है। कोई डाउट नहीं आया होगा समझ में, नहीं आया तो एक और एग्जांपल से देखते हैं, आप बात करेंगे। देखो 3 डिग्री ले लेते हैं, 3 डिग्री ठीक है, 3 डिग्री ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री एल के ले लें। ये आपका क्वेश्चन ये 11.6 उदाहरण देखना, तो वहाँ देखोगे जब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 3 डिग्री एल के ले लें। अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि ये ओ यहाँ जुड़ जाए, ईथर बन जाए, लेकिन ईथर नहीं बनेगा, इसमें पहले ये कार्बोधनायन बनेगा, फिर वही बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, C2H5OH माइनस हो जाएगा, और ये H की जगह यहाँ क्या बन जाएगा CH3, और ये ऊपर भी CH3, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया आपके 2-methyl-2-propene। अब ये क्या है 2-methyl-2-propene यानी एल्कीन यहाँ मुख्य उत्पाद बन जाएगा। अब इसमें ये पूछा है कि इस अभिक्रिया से मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, तो ये बनेगा। और हम क्या सोचते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ईथर बने, तो अगर मान लो इस अभिक्रिया से ईथर बनता भी तो कौन सा बनता, तो फिर तुम ईथर की तो ये सोचते कि भाई ये ईथर बनना चाहिए था, इस ओ यहाँ जुड़ जाता C2H5, तो ये ईथर इससे नहीं बनेगा। तो 11.6 उदाहरण देखोगे तो इसकी रिएक्शन इससे हो रही है, पर ये ईथर बना रखा है और नीचे लिख रखा है कि इस ईथर को बनाने के लिए यह अभिक्रिया प्रयुक्त नहीं होती है, क्यों ये ईथर इस अभिक्रिया से नहीं बन पाता है, क्यों नहीं, तो उसका रीज़न है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अगर हम लेंगे तो मुख्य उत्पाद 2-methyl-propene बनेगा, न कि ये ईथर बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उसके बाद ये भी पूछा है अगर हमें यही ईथर प्राप्त करना हो तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, विलियमसन से, तो उसके लिए अगला क्वेश्चन बन लेते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण से आप क्या नाम है ये, इसका नाम है 1, 2, 3 2-methyl-2-ethoxypropane
को आप कैसे प्राप्त करेंगे, को कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसे हमको प्राप्त करना है, तो ये रिएक्शन तो हम चला नहीं सकते क्योंकि इससे तो एल्किन बन जाएगा। लेकिन आपको पता है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड तो ले सकते हैं ना, तो इसके साथ Cl ले लो और इसके साथ ONa ले लो। आप देखो इसके साथ तो Cl ले लें, तो ये तो 1 डिग्री हो गया ना, और 1 डिग्री तो आप ले सकते हो, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा और यहाँ से Na निकल जाएगा, तब भी तो यही बनेगा NaCl निकलने के बाद। तो हम इस ईथर को प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं लेके हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तो हमको ये ईथर मिल जाएगा। समझ गए? कोई डाउट? तो ये विलियमसन ईथर संश्लेषण की सीमा है। एक सीमा और लिखो जिसको भी उदाहरण से हम समझेंगे। एरोमेटिक सीमा दो है, दूसरी सीमा है, ऐसे लिखो ईथर, एरोमेटिक ईथर को प्राप्त करने के लिए इस अभिक्रिया में एरिल हैलाइड प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि एरिल हैलाइड भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी NSR के प्रति बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो यानी जैसे अभी हम एरोमेटिक ईथर प्राप्त करें, तो एरोमेटिक ईथर प्राप्त करने के लिए हम अभी विलियमसन में एरिल हैलाइड प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि एरिल हैलाइड भी नाभिक स्नेही के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। एग्जाम्पल से समझो, देखिए बेटा अभी हमने ये वाला थोड़ी देर मैंने जो होमवर्क दिया था कल वाले वीडियो में और आज आते ही करा है, तो हमने ये वाला ईथर बनाया था ना CH2CH3 जिसको हमने लिखा था एरिल फेनिल ईथर। अब इसको जब हमने बनाया था तो किसकी रिएक्शन कराई थी? CH3CH2 और यहाँ Cl लिया था और NaOC2H5 की रिएक्शन C6H5 की रिएक्शन कराई थी। अब तुम अगर ये मान लो ये बन गया, इससे तो ये बन गया, लेकिन अगर आप इसी को बनाना चाहते हो तो ये नहीं ले सकते। C6H5 के साथ Cl लगा दो और यहाँ लगा दो CH3CH2ON, तो इससे ये वाला प्रोडक्ट नो रिएक्शन रहेगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो क्योंकि ये एरिल हैलाइड है, ये क्या है? एरिल हैलाइड। तो ऊपर से ये बन जाएगा लेकिन
नीचे से ये नहीं बनेगा क्योंकि एरिल हैलाइड क्या है, कम क्रियाशील है, इसलिए हम इसको अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर आपके समझ में आ गई कि इस अभिक्रिया में हम 2° और 3° अल्काइल हैलाइड भी नहीं ले सकते और एरिल हैलाइड भी नहीं ले सकते। एक आप 11.11 क्वेश्चन देखना, इन टेक्स्ट का एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं यहाँ लिखा देता हूँ। देखो एक ईथर है, ये वाला ईथर है NO2 और यहाँ लगा हुआ है O, ईथर ही है ना, तो OCS। अब इसको बनाने के दो रास्ते दिखा रखे हैं आपके, एक रास्ता पथ फर्स्ट और इसी को बनाने का एक और रास्ता है पथ दो। यानी ये दो तरीके से बन सकता है, एक तो मैं इसकी रिएक्शन करा दूं, यहाँ भी यार ले लूं और यहाँ NaOCS इससे ये बना दूँ, पर एक बार NO2 लगा, ये NO2 लगा दूँ, यहाँ ONa ले लूँ और यहाँ Br और CH3। अब ये सोचो कि कौन, इसका नाम है 4-nitroxy-benzene, ये एक ईथर ही है। इसे प्राप्त करने के लिए कौन सा पथ सही है, फर्स्ट पथ सही है या सेकंड पथ सही है, विचार कीजिए। बिल्कुल, अभी जो सिंबिलियनसन ईथर संश्लेषण की सीमाएं बताई है उसी पर आधारित क्वेश्चन है, आप दोनों पर विचार करके बताओ। और 11.11 क्वेश्चन आपके पार्ट में NCERT, तो आप कहोगे ये सही, राइट चॉइस, सही चॉइस है। क्यों है ये सही चॉइस और ये है रॉन्ग? क्यों? क्योंकि इसमें देखो एरिल हैलाइड है, ये क्या होता है वही NSR के प्रति कम क्रियाशील। तो अभी हमने विलियमसन ईथर संश्लेषण की सीमा में क्या लिखा है कि एरिल हैलाइड का इस्तेमाल प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि NSR के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, तो इसलिए इससे ये नहीं बन पाएगा, लेकिन इससे ये आसानी से बन जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, सीमाएं भी समझ में आई कि ईथर के अंदर प्राथमिक ही ले सकते हैं, 2°, 3° भी नहीं ले सकते क्योंकि वो एल्कीन बनाते हैं, एरिल हैलाइड भी नहीं ले सकते क्योंकि वो कम क्रियाशील होते हैं, और यहाँ एल्किल हैलाइड तो हम ले ही सकते हैं क्योंकि इसमें मेथिल ब्रोमाइड प्रयुक्त हुआ है जो SN2 के प्रति अधिक क्रियाशील भी होता है। और चलिए विलियमसन पर और भी क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.10 है आपके पाठनीयत का, नहीं 11.10 पाठनीयत किताब का ही क्वेश्चन है, NCERT इंटेक्स में है। आप विलियमसन, आप एथेनॉल तथा 3-methyl पेंटेन टूऑल से अभिक्रिया
शुरू करते हुए विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा टू इथॉक्सी थ्री मेथिल पेंटेन को कैसे प्राप्त करेंगे? क्वेश्चन लिख लो पहले तो, और समझ लो अच्छे से, फिर पोज करके एक बार पोज करके खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक बार, और अगर किसी ने लिखा नहीं है तो लिख सकता है। आप एथेनॉल तथा थ्री मेथिल पेंटेन टूऑल से अभिक्रिया शुरू करते हुए विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा टू इथॉक्सी थ्री मेथिल पेंटेन को कैसे प्राप्त करेंगे? टाइम स्टार्ट नाउ। कीजिए तो सबसे पहले तो उस ईथर को लिख लीजिए जो कि हमें बनाना है। क्वेश्चन मिटा दूं तो हमको ये वाला ईथर बनाना है। इसकी स्ट्रक्चर बना लो पहले तो। टू पे तो इथॉक्सी लग रहा है, ये टू कार्बन मान लेते हैं। इस पे क्या लग रहा है? इथॉक्सी, ओ सी टू एच फाइव, ये तो होता है इथॉक्सी। और थ्री पे मिथाइल लग रहा है, थ्री पे मिथाइल। और पेंटेन, टोटल कार्बन पेंटेन है, तो तीन के बाद ये चार कार्बन और ये पांच कार्बन, वन कार्बन यहाँ लगा देते हैं वन। ये आपको ईथर बनाना है, ये आपका ईथर हो गया कौन सा? टू इथॉक्सी थ्री मेथिल पेंटेन। अब इसे बनाना किससे है? अभिक्रिया हमको शुरू करनी है। एक तो हमारे पास है CH3CH2OH एथेनॉल, ये तो एथेनॉल है। और एक हमारे पास है थ्री पे वही मेथिल है और पेंटेन है, पेंटेन टू ऑल है। तो वन टू पे ऑल है ना, तो टू पे ऑल है, टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया थ्री मिथाइल पेंटेन टूऑल और एथेनॉल। इन दोनों से अभिक्रिया शुरू करके इसको बनाना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक तो एथेनॉल है, एक थ्री मेथिल पेंटेन टूऑल है। इन दोनों की क्रिया के द्वारा आपको प्राप्त करना है टू इथॉक्सी थ्री मेथिल पेंटेन। चलिए, और विलियमसन अभिक्रिया को आपको यूज लेना है, विलियमसन ईथर संश्लेषण को ही आपको यूज लेना है। तो बेटा विलियमसन यूज तो तब लोगे ना जब एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो। तो इसकी रिएक्शन आप क्या किससे कराओ? PCl5 से करा लो या SOCl2 से करा लो, जिससे एल्काइल क्लोराइड में बदल जाएगा ये CH3CH2 और Cl, बदल गया। अच्छा, इसकी क्यों नहीं कराई?
कराने को तो इसकी भी करा सकते थे, लेकिन ये 1 डिग्री बना है और इसकी कराते तो ये 2 डिग्री बनता। अगर जो स्टूडेंट इसकी कराएगा वो गलत फंस जाएगा, क्योंकि फिर इसकी क्रिया हम इसके सोडियम लवण से कराएंगे तो फिर ईथर नहीं बनेगा, एल्किन बनेगा। और इसकी क्रिया किससे कराएंगे हम? सोडियम से। इसकी किससे कराएंगे? Na से। तो ये क्या बन जाएगा? Na प्लस और O माइनस CH CH3 CH CH3 फिर CH2 CH3। अब इसकी ये आपका A हो गया और ये आपका P हो गया। अब ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और ये सोडियम लवण है। यहाँ से Cl निकालोगे, यहाँ से Na निकालोगे, इन दोनों की क्रिया से क्या बन जाएगा? ये वाला तो A प्लस B की रिएक्शन आप कराओगे ये दोनों की, तो ये वाला ईथर बन गया। समझ गए? तो वो क्रिया आप करा के देख लेना, A एक दे दिया और B ये रहा, इन दोनों की क्रिया से ईथर बने। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन SOCl2 या PCl5 से करा के यहाँ क्लोराइड लाते और इसकी क्रिया उल्टी कराते Na से और यहाँ ONa लाते, तो फिर ईथर नहीं बनता। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें PCl5 से तो क्रिया किसकी करानी है? इस एल्कोहल की। और Na से क्रिया किसकी करानी है? इस बार ले, दोनों ही एल्कोहल थे ना, लेकिन हमें एक को PCl5 से रिएक्ट कराना था और एक को सोडियम से। तो ये हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड बनाएंगे और एल्कोहल बनाएंगे जो ज़्यादा डिग्री वाला होगा उसका। समझ में आ गया? क्वेश्चन करना, 10 पॉइंट 10 क्वेश्चन है। उसके पास 11 पॉइंट होमवर्क और लगा लो इस रिएक्शन से। 11.24 आपके लिए होमवर्क है अभ्यास का, उसको खुद ट्राई करना, ठीक है? तो बेटा वैसे तो एक छोटी सी अभिक्रिया थी ये कि एल्किल हैलाइड से ईथर का निर्माण, लेकिन चूंकि ये ईथर एक पूरा चैप्टर है 11वें चैप्टर में, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ करा दिए जो 11वें चैप्टर में बनते हैं इस अभिक्रिया से। अब आप 11वें चैप्टर में जाओगे तो आपका रिविज़न हो जाएगा। चलिए अब हम NSR के उदाहरण पढ़ रहे थे, NSR के उदाहरण हम पढ़ रहे थे जिनमें हमने दो देख लिए। एक तो देख लिया एल्कोहल का निर्माण, ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखा चुका हूँ पहले का निर्माण, एक हमने देख लिया दूसरा ईथर का निर्माण। तीसरा आज हम देखते हैं अब एमीन का निर्माण। ये भी बहुत अच्छी अभिक्रिया है एमीन का निर्माण। तो देखो कैसे होता है, तीसरा एग्जांपल चलेगा, ये दो तो हम पढ़ चुके हैं, हटा दो इनको। तो यहाँ भी प्राथमिक ही लेंगे हम, जब प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रिया इसको अमोनिया अपघटन भी बोलते हैं, अमोनी अपघटन अभिक्रिया, जब प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ को लिख लेते हैं, जब प्राथमिक एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ लोहे नली में
चालू है, नली में 374 केल्विन ताप पर गर्म किया या जाता है तो इस क्रिया से उत्पाद मिश्रण में प्राथमिक यानी 1 डिग्री, द्वितीयक यानी 2 डिग्री तथा तृतीयक यानी 3 डिग्री एमी एवं टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। इससे केवल एक ही अमीन नहीं बनते। तो ये थ्योरी है, पहले तो थ्योरी लिख ले। जब प्राथमिक एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ लोहे नली में 374 यानी 374 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इस क्रिया से उत्पाद मिश्रण में प्राथमिक यानी 1 डिग्री, द्वितीयक यानी 2 डिग्री तथा तृतीयक यानी 3 डिग्री एमीन और टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। तो यानी इससे एक अमीन केवल प्राप्त नहीं होते। तो अभिक्रिया की समीकरण उससे भी समझ लेते हैं। ये उदाहरण है जो मैं समीकरण पढ़ा रहा हूँ, उदाहरण नंबर 13.2 आप देख सकते हो, यहाँ भी ये अभिक्रिया आपको मिलेगी जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ वो वहाँ भी आपको मिलेगी कि कैसे होते हैं, वहाँ भी पढ़ेंगे हम 13.2 उदाहरण में। तो हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड को पढ़ रहे हैं, CH3CH2Cl और NH3 की रिएक्शन करा रहे हैं और 374 केल्विन है लोहे की नली एटीट्यूड पर, ठीक है। ये कंडीशंस आई है तो बेटा क्या प्रोडक्ट होगा, ऐसे क्वेश्चन आए क्या प्रोडक्ट होगा, ये क्वेश्चन आ गया हमारे। तो अब आप क्या प्रोडक्ट बनाओ, तो ये ना ये तो क्या है नाभिक, इसमें ये तो आपके क्या बन गया है नाभिक, इसमें ही अभिकर्मक बन गया और ये एल्किल हैलाइड है जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि से देता है। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया में क्या होगा CH2Cl यानी यहाँ से Cl हटेगा और नाभिक स्नेह का पीछे से अटैक होगा तो यहाँ से H और NH2 ऐसे लिख देता हूँ। तो जैसे ही H ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ H प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस जाके पीछे से अटैक करेगा तो इस अभिक्रिया में HCl बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाता है HCl, ऐसे HCl माइनस और H प्लस और ये जाके जुड़ जाएगा तो ये बन गया है प्राथमिक एमीन CH3CH2NH2।
जब तक NH2 समूह दिखे आपको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमाइन, प्राथमिक एमाइन बन गया। इट इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, इट इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिख रहे हैं ना, तो ये खुद भी एक नाभिक इसमें ही। तो अगर हम इसको एक्सेस में लेके चलें तो पहले तो अमोनिया ने अटैक कर लिया, ये बना दिया, अब ये क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा CH3 CH2 Cl पर, अब की बार ये अटैक कर देगा, NH2 पे लोन पेयर है, फिर CH2 CH3 है, तो ये अटैक करेगा, ये Cl फिर निकलेगा, H है ही इसके पास, तो फिर HCl बाहर निकलेगा और क्या बनाएगा, CH3 CH2 N, और फिर H, इसने फिर अटैक कर दिया, HCl तो निकल गया और ये CH2 CH3, जब NH रहे तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन, ये क्या है, 2 डिग्री एमीन है, समझ गए, ये ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, इट इज ऑल्सो डी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाई है, ये फिर से न्यूक्लियोफाई का काम करेगा ना भी किसने का, फिर ये एल्किल हैलाइड को पकड़ेगा CH3 CH2 Cl, और अब न्यूक्लियोफाई कौन है, NH, और इससे CH2 कितनी बार जुड़े हैं, ऑल ट्वाइस लिख दूँ, एक और एक दो, ऑल ट्वाइस लिख दिया, फिर ये Cl निकलेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, HCl फिर निकलेगा और क्या बनाएगा, अब N ही रह जाएगा, ये हाइड्रोजन भी निकल गया ना, और ये बनेगा CH2 CH3 का होल प्राइस 3 डिग्री एमीन, ये क्या बन गया, 3 डिग्री एमीन बन गया। कोई डाउट? अब 3 डिग्री जो एमीन है ये भी न्यूक्लियोफाई है, इट इज न्यूक्लियोफाई, ये फिर न्यूक्लियोफाई है, अब ये क्या करेगा, ये फिर से एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा CH3 CH2 Cl, की रिएक्शन अब इससे होगी, N न्यूक्लियोफाई है ना, CH2 CH3 का होल प्राइस, अब HCl नहीं निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, और क्या बनेगा, N पे प्लस ही आ जाएगा, और ये कितनी बार हो गया, एक और CH2 जुड़ जाएगा ना इसमें, CH3 का होल 4, और यहाँ Cl माइनस भी लगा रहेगा, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल अमोनियम अमोनियम क्लोराइड चतुष्कलम, क्वार्टर्टी सॉल्ट। कोई बात, कोई दिक्कत तो रिएक्शन को आप अच्छे से अंडरस्टूड किए कि भाई मैंने शुरू में लिखा है था प्राथमिक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से हो तो प्रोडक्ट खुद भी नाभिक स्नेही का काम करता है, इसलिए बार बार उसका अटैक होता है, और पहले अटैक से 2 डिग्री अमीन और दूसरे अटैक से फिर 3 डिग्री अमीन बन जाता है, और अंतिम उत्पाद टेट्रा एल्किल यानी टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्लियर बेटा? 13.2 में रिएक्शन दे रखी है, वहाँ से भी समझना, अच्छी रिएक्शन है ये, ठीक है। चलिए मिटा दूँ, खोज करके उतार लेना, किसी ने उतारा नहीं हो तो। लेकिन इस अभिक्रिया में अब आपसे पूछे क्या बनेगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखोगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुष्क अमोनियम
लवण बन जाएगा। यानी यहाँ क्या आएगा, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री व चतुष्क लवण। लेकिन इसी अभिक्रिया में अगर ये लिख दिया जाए CH3CH2Cl और अमोनिया के नीचे लिखा जाए एक्सस, यानी अमोनिया को अधिकता में ले लिया हमने और अब आ गया क्या बनेगा, तो अब पूरा का पूरा अमोनिया इसको खर्च कर देगा। इसको पूरा खर्च कर दिया तो केवल केवल क्या बनेगा, CH3CH2NH+S 1 डिग्री एमीन ही मुख्य उत्पाद बनेगा इस जगह पे। कब, जब हमने इसको अधिकता में ले लिया, ठीक है।